Hello students, welcome to the channel of Ganesh the Tutorials. Today we are going to learn second chapter of class 4. Lesson name is Interrelationship Between Living Things. Yane living thing ka aapsi rishta. What is interrelationship? The way in which two or more things are connected to each other is called interrelationship. Now let's start the lesson. A riddle to solve. यहाँ पे एक रिडल दी है जो आपको सॉल्व करना है. An age old tree with a thick strong trunk gives deep dark shade from the scorching sun. एक बहुत ही पुराना पेड़ जिसका तना बहुत मोटा है और जो तपते हुए सूरज से काली घनी छांव देता है. लाइक एन ओल्ड मैन्स बियर्ड विथ मेनी स्ट्रैंड्स इट हैज रोप्स फॉर स्विंगिंग फ्रॉम एवरी ब्रांच. एक बूढ़े आदमी के दाढ़ी जैसी कुछ लंबी लंबी शाखाएं हैं एक शाखा से दूसरी शाखा तक झूलने के लिए. विच इज दिस ट्री इन द पिक्चर. पिक्चर में कौन सा ट्री है वो. इट्स अ बैनन ट्री. वो बरगद का पेड़ है. कैन यू टेल. क्या बता सकते हो. प्लांट इन आवर सराउंडिंग्स आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज. हमारे आजू बाजू जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हमें कई तरीके से फायदा होता है. द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर गिवन बिलो. फॉर वॉट पर्पज डू वी यूज देयर लीव्स. नीचे कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं. हम इनके पत्तों का क्या इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट है बेटल वाइन यानी खाने का पान. वाई डू वी यूज बेटल वाइन लीव्स. वी यूज बेटल वाइन लीव्स टू एनहांस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. बेटल वाइन लीव्स का इस्तेमाल हम अपनी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी परस. इट इज यूज टू हील स्वेलिंग्स. इसका इस्तेमाल सूजन कम करने के लिए करते हैं. नेक्स्ट है फेनुग्रीक यानी मेथी. वी यूज इट इन आवर डेली मील्स. हम इसका रोज खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है पसाका यानी अड़ुलसा. वी यूज इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड कफ फ्लू सिम्टम्स. हम इसका इस्तेमाल सर्दी खांसी और बुखार के इलाज में करते हैं. नेक्स्ट इज करी लीफ यानी करी पत्ता. वी यूज इट टू एनहांस द टेस्ट ऑफ आवर डेली मील्स. हम अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेट इन देयर एनवायरमेंट यानी लिविंग थिंग्स की जरूरतें उन्हें अपने पर्यावरण में ही मिल जाते हैं. वी हैव मेनी नीड्स लाइक फूड वाटर एयर क्लोथ्स एंड शेल्टर. हमारी बहुत से जरूरतें हैं जैसे खाना पानी हवा कपड़े और घर. ऑल दिस नीड्स आर मेट इन आवर सराउंडिंग्स. ये सारी चीजें हमें अपने आजू बाजू मिलती है. इनफैक्ट फूड वाटर एंड एयर आर द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. खाना पानी और हवा ये हर लिविंग थिंग की जरूरत है. दे आर ऑल फुलफिल्ड इन द एनवायरमेंट. ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंट में मिलती है. बट देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स. पर हर लिविंग थिंग के जरूरतें अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल द वॉटर दैट अ माउस ड्रिंक इन एन एंटायर डे वुड नॉट टू बी इनफ फॉर एन एलिफेंट इवन एट वन टाइम. जैसे कि एक चूहा दिन भर में जितना पानी पी जाता है उतना पानी एक हाथी के एक बार के लिए भी काफी नहीं होगा. लिविंग थिंग जितना बड़ा है उसे पानी की जरूरत भी उतनी ज्यादा होती है. सबको अपने जरूरत के हिसाब से पानी लगता है.
थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए. बटरफ्लाइज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. कैन अ फ्रॉग डू द सेम. तितलियां फूलों के मधु से अपनी भूख मिटाती है. क्या एक मेंढक भी वैसे ही करता है? नो, द फ्रॉग फीड्स ऑन वॉटर एनिमल एंड फ्लाइज. नहीं, तितलियां फूलों के मधु से भूख मिटाती है और मेंढक कीड़े और छोटी मछलियां खाके अपनी भूख मिटाता है. अ शीप ईट्स द लीव्स ऑफ श्रब्स. कैन अ टाइगर डू द सेम. भेड़ अपनी भूख पौधों के पत्ते खाकर मिटाती है. क्या शेर भी वैसे ही करता है? नो, द टाइगर फीड्स ऑन द रॉ मीट ऑफ द एनिमल्स दैट ही हंट्स डाउन. भेड़े पौधों के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, जबकि शेर अपनी शिकार का मांस खाके अपनी भूख मिटाते हैं. अ फिश कैन ब्रीथ इन वॉटर बट कैन अ पिजन डू दैट. मछलियां पानी में सांस ले सकती है, वैसे कबूतर पानी में सांस ले सकते हैं क्या? नहीं, मछली पानी में ही सांस ले सकती है और कबूतर हवा में ही सांस ले सकता है. बुलरशेस ग्रो इन वॉटर. कैन अ लेमन ट्री डू सो. नो, बिकॉज बुलरशेस नीड मोर वॉटर टू ग्रो एंड लेमन ट्री नीड्स लेस वॉटर टू ग्रो. बुलरशेस को बहुत पानी लगता है बढ़ने के लिए और लेमन को कम पानी लगता है बढ़ने के लिए. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? इफ फिश लीव द वॉटर विल दे बी एबल टू लीव ऑन लैंड. मछली पानी में होती है तो क्या वो जमीन पे रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए पानी की जरूरत है. नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दिस, करके देखिए. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वो आपको करना है. टेक टू स्मॉल बॉक्सेस, लेबल देन बॉक्स वन एंड बॉक्स टू. फिल देम थ्री क्वार्टर्स विथ सॉइल. मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो सीड्स. यहाँ पे आपको क्या करना है, दो बक्सा लेना है और उनको नाम देना है बॉक्स वन एंड बॉक्स टू. उनमें तीन चतुर्थांश मिट्टी भरिए. उस मिट्टी को थोड़ा गीला कर दीजिए, जिससे कि बीज बोने में आसानी हो. सो टू स्प्राउटेड मोट यानी मटकी सीड्स इन ईच बॉक्स. दो मटकी के दाने लीजिए जिसमें अंकुर फूटा हो, दोनों में वो बीज डालो. गिव टू स्पून्स ऑफ वॉटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स वन ओनली वंस एवरी डे. गिव फोर स्पून्स ऑफ वॉटर टू द अदर बॉक्स फोर टाइम्स अ डे. डू दिस फॉर सिक्स डेज. बॉक्स वन में दो चम्मच पानी दिन में एक बार डालो और बॉक्स टू में चार चम्मच पानी दिन में चार बार डालो. ये प्रक्रिया 6 दिनों तक जारी रखे. वॉट विल यू सी, आप क्या देखोगे? द प्लांट्स इन बॉक्स वन आर ग्रोइंग वेल बट द प्लांट्स इन बॉक्स टू हैव बिगन टू रॉट. बॉक्स वन का जो पेड़ है वो अच्छे से बढ़ रहा है, पर बॉक्स टू का जो पेड़ है वो मुरझा चुका है, सड़ चुका है. वॉट डज दिस टेल अस, यह हमें क्या बताता है? प्लांट्स दैट आर नॉट एक्वेटिक प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन मार्शी एरियाज. ऐसे पौधे जो पानी में नहीं उगते वो दलदली क्षेत्रों में नहीं बढ़ सकते. इफ दे गेट मोर वॉटर देन दे नीड दे रॉट. अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा पानी मिलता है तो वो मुरझा जाते हैं. एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी फाउंड ओनली वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड. किसी भी प्रकार का लिविंग थिंग वही बढ़ सकता है जहाँ उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर. टाइगर का उदाहरण लेते हैं. अ टाइगर हैज स्ट्राइप्स. टाइगर के शरीर के ऊपर पट्टियां होती है. अ टाइगर लाइज इन वेट फॉर इट्स प्रे अमॉन्ग टॉल ग्रासेस.
शेर अपनी शिकार के इंतजार में लंबी घास के पीछे चुपकर बैठता है। इट्स प्रे कैन नॉट सी इट इन द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्राइप्स। उसके शरीर पे बने पट्टियों की वजह से शिकार को वो दिखाई नहीं देता। देयर आर एनिमल्स लाइक द डियर द नील गाय एंड द बाइसन इन ग्रास लैंड्स। जंगली प्रदेश में कई जानवर होते हैं जैसे हिरन नीलगाय जंगली भैंसे इत्यादि। व्हेन द टाइगर इज हंग्री इट कैन फीड ऑन देम। शेर को जब भूख लगती है तब वो उनका शिकार करता है और अपनी भूख मिटाता है। फॉर अ टाइगर देयर ऑल्सो नीड टू बी अ वॉटर होल नियर बाय विच नेवर ड्राइज अप इवन इन द समर। शेर के लिए एक पानी का तालाब नजदीक होना जरूरी है जो गर्मी में भी ना सूखे। देयर मस्ट ऑल्सो बी डेंस वेजिटेशन टॉल ग्रासेस और केव्स इन हिल्स और माउंटेन्स इन द एरिया सो दैट द टाइगर कैन फाइंड शेल्टर। शेर के नजदीक घनी झाड़ियाँ लंबे घास या पर्वत में गुफा होना जरूरी है जिसे कि उसे वक्त पर आश्रय मिल सके। और टाइगर इनहिबिट्स एन एरिया वेयर ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। शेर अपना घर वही बनाता है जहाँ ये सारी चीजें मौजूद हो। कैन यू टेल क्या आप बता सकते हो। फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क हमें रेशम कहाँ से मिलता है। द सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ द लार्वे रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकीज बंदरों को पेड़ों की सहायता कैसे होती है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फूड एंड सेफ्टी फ्रॉम मोस्ट प्रेडेटर्स बंदरों को पेड़ों से खाना रहने की जगह और बहुत से शिकारियों से छिपने की जगह मिल जाती है। थर्ड है हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स पंछियों को पेड़ों की सहायता कैसे मिलती है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज दे गेट द फूड फ्रॉम द ट्रीज दे ऑल्सो गेट सेफ्टी फ्रॉम सम प्रेडेटर्स। पंछी पेड़ों पे अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ों के फूल और पत्ते पंछियों का खाना बनते हैं और बहुत से शिकारियों से छिपने के लिए पेड़ों की सहायता मिलती है। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स इफ टर्माइट्स मेक अ ट्री होलो मतलब जब दीमक पेड़ों को खोखला करते हैं तब क्या होता है। व्हेन टर्माइट्स मेक अ ट्री होलो द ट्री फॉल्स डाउन तब क्या होता है पेड़ गिर जाते हैं। वी कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स हम जानवरों को कुछ निजी काम करने के लिए रखते हैं। दे बिकम डियर टू अस हमें उनसे लगाव हो जाता है। वी लुक आफ्टर देम वेल हम उनकी देखभाल करने लगते हैं। वी फीड देम हम उन्हें खाना देते हैं। वी टेक देम टू अ वेट इफ दे फॉल इल जब वो बीमार होते हैं तब हम उन्हें जानवरों के अस्पताल लेके जाते हैं। दीज एनिमल्स टू रिटर्न आवर अफेक्शन ये जानवर भी हमारे प्यार का बदला प्यार से देते हैं। वी गेट मिल्क मीट एग्स एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स तो हमें एनिमल्स से क्या क्या मिलता है। मिल्क मिलता है मीट यानी मांस मिलता है एग्स यानी अंडे मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती है। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स और ड्रॉइंग कार्ड्स कुछ एनिमल जो है जो वजन उठाने के लिए काम आते हैं। कौन सा एनिमल है जो वजन उठाने के लिए काम आता है वो है बैल जो गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी
ये गाड़ी हम वजन उठाने के लिए रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू हेल्प विद द हैवी फार्म वर्क इन फील्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर जिसको हम घर में पालते हैं, खेत में हैवी काम करने के लिए फार्मर के लिए यूजफुल होता है। कौन से जानवर होते हैं वो? बैल होता है। डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस। जो डॉग होते हैं वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। शीप गिव अस ऊल। शीप जो है वो हमें क्या देता है? ऊल देता है। सर्दी के मौसम में आप स्वेटर वगैरह पहनते हो ना, वो ऊल से बना होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है? इवन द एक्सक्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज ऑफ यूज टू ह्यूमन बींग्स। डोमेस्टिक प्राणी जैसे गाय, बैल और भैंस, इनका गोबर और पेशाब भी इंसान के काम आता है। द डंग ऑफ कैटल इज मेड इन टू डंग केक्स। दे आर कम्बस्टिबल। दे आर यूज इन सम प्लेसेस एज फ्यूल। वेन दे बर्न दे गिव आउट स्मोक। गाय के गोबर से हम उपले बनाते हैं जो ज्वलनशील होते हैं। कम्बस्टेबल यानी जल्दी आग पकड़ने वाले। ये उपले ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। जब हम इन्हें जलाते हैं तब बहुत धुआं होता है। अ कम्बस्टेबल गैस कॉल्ड गोबर गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल डंग। दैट टू इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इट बर्न्स विदाउट स्मोक। गोबर गैस एक जल्दी आग पकड़ने वाला गैस है जो हमें डोमेस्टिक जानवरों के गोबर से मिलते हैं। ये भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कम धुआं छोड़ता है। कैटल डंग इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेस। गाय के गोबर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल मिट्टी के घरों की दीवारें एवं फर्श को पोतने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे घर ज्यादा ठंडा रहता है। मैन्योर्स मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड शीप पेलेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स। फार्मर्स यूज देम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। गाय और शीप के गोबर से बना खाद पेड़ों के लिए बहुत लाभदायक होता है। किसान इन्हें अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज वी नीड एनिमल्स वी नीड प्लांट्स टू। जिस तरह से हमें एनिमल्स की जरूरत होती है वैसे ही हमें प्लांट्स की भी जरूरत होती है। प्लांट्स गेव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्या देता है? वेजिटेबल्स देता है, फ्रूट देता है, ग्रेन देता है। We love flowers too. हम फूलों को भी बहुत पसंद करते हैं। We use them for many different purposes. और फूलों का हम बहुत अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए, किसी का स्वागत करना होता है उसके लिए यूज करते हैं, शादी के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं, माला बनाने के लिए। We get flowers from plants. तो हमें ये फ्लावर्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से। वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ्स। हमें प्लांट में से ही कॉटन वूल मिलता है जिसका धागा बनाकर हम कपड़े सिलाते हैं। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू अस मेथोडिकली। हम जो प्लांट्स लगाते हैं वो हम लोगों के लिए कितने यूजफुल है उस हिसाब से हम अपने प्लान लगाते हैं। वी सो सीड्स। पहले हम क्या करते हैं? बीज पेरते हैं। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर। सिर्फ बीज लगाने से पेड़ आ जाएगा क्या? नहीं, तो उसको हमें डेली वाटर देना चाहिए। वी गिव मैन्यूअर व्हेन नेसेसरी। जरूरत पड़े तो उसको हमें खाद भी देना पड़ता है। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स If they are attacked by insect, अगर उन पेड़ों के ऊपर कीड़े लग रहे हैं, तो हम लोग वो कीड़े मारने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रे का
यूज करता है, जैसे कि सारे कीड़े मर जाते हैं। प्लांट्स टू गिव टू अस अबेंडेंटली, दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। और प्लांट्स भी हमें बहुत कुछ देते हैं और वो हमारी जरूरतें भी पूरी करते हैं। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। जो दूसरे लिविंग थिंग है उनको भी एनवायरमेंट से ही फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमिलियंस ईट्स इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री। कैमिलियंस यानी क्या होता है, गिरगिट, जो क्या करता है वो सारे कीड़े खाता है। सम स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स। सांप जो होता है वो चूहे और मेंढक खाता है। टाइगर ईट डियर, टाइगर क्या खाता है, डियर यानी हरिन खाता है। गोट्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट। गोट और शीप क्या खाता है, प्लांट्स के पत्ते। कैटल ईट ग्रास, और जो कैटल्स होते हैं वो क्या खाते है, घास। अ न्यू टर्म अर्बोरियल। अर्बोरियल यानी क्या है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्बर विच मीन्स ट्री। अर्बोरियल्स मीन्स लिविंग इन ट्रीज, यानी ट्रीज के ऊपर रहने वाले लिविंग थिंग। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल लिव ऑन ट्रीज। बंदर और खारुताई, स्क्विरल यानी खारुताई, वो कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों के ऊपर। इट गिव्स देम सर्टन एडवांटेजेस, और इसके उन्हें कुछ फायदे भी है। बीइंग एट अ हाइट दे आर बेटर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। पेड़ के ऊपर रहने की वजह से यानी हाइट के ऊपर रहने की वजह से अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अगर कोई उनको मारने के लिए आया तो वो फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। Besides, they can eat the fruits of the tree to satisfy their hunger. इसके अलावा वो ट्रीज के जो फ्रूट्स होते हैं वो खा के जिंदा रहते हैं। Such animals are said to be arboreal. ऐसे जानवरों को arboreal जानवर कहते हैं। Unknowingly, they help the tree with whose support they live. उनके अनजाने में ही वो जिस पेड़ पे रहते हैं उस पेड़ की भी वो हेल्प करते हैं। एज दे मूव अराउंड हियर एंड देयर इन द सराउंडिंग्स दे स्प्रेड द सीड्स ऑफ द फ्रूट दे हैव ईटन थ्रू देयर ड्रॉपिंग। ये जो मंकी है, स्क्वेरल्स है, तो वो जिस पेड़ के ऊपर रहते हैं उस पेड़ के वो फल खाते हैं। तो वो फ्रूट्स खाते हैं और पेड़ के नीचे आते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो क्या होता है, वो जो फ्रूट्स खाते हैं उनके जो बीज है वो इधर उधर फैलते हैं। कैसे फैलते हैं, जब वो टॉयलेट करते हैं तो इधर उधर वो बीज फैल जाता है। तो समझ में आया क्या क्या हुआ, जो मंकी स्क्विरल होते हैं जो फल खाते हैं, बाद में वो फल खा के पेड़ों के नीचे आते हैं, टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट करने के बाद जो बीज है वो इधर उधर फैलते हैं, और बीज जो फैल गए उसके बाद जब बारिश होती है तो उधर से क्या होता है, नया नया प्लांट आता है। तो समझ में आया आपको जंगल में पेड़ कैसे उगते हैं। सम टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट। कुछ बर्ड्स है उनको घर बनाने के लिए ट्रीज यूजफुल होता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, एन इग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक। आपने कहीं पर देखा होगा बफेलो के बैक पे एक सफेद सा पक्षी बैठा रहता है, इग्रेट, उसको क्या बोलते हैं, बगला। व्हेन बफेलो इज ग्रेजिंग इन अ ग्रासी एरिया यू आर वेरी लाइकली टू सी एन इग्रेट राइडिंग ऑन इट्स बैक। जब ये बफेलो घास में चरने के लिए जाता है,
के बैक के ऊपर ये जो इगरेट है बैठा हुआ हम लोगों ने देखा है। What would be the reason for that? उसका रीजन क्या है? A certain kind of egret feeds on different kind of insects. कुछ egret होते हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के कीड़े खाते हैं। Grass is full of all kinds of insects. और ये जो घास होता है उसमें बहुत प्रकार के कीड़े होते हैं। But because they are hidden in the grass, the egret cannot see them and catch them. लेकिन ये जो insects होते हैं बड़े बड़े घास के अंदर छुप जाते हैं, उसके लिए ये जो egrets होते हैं उनको वो कीड़े दिखाई नहीं देते। As the buffalo treed on the grass, जब buffalo grass में जाता है, it frightened the insects. Which fly out of the grass? जब बफेलो घास में जाता है तो जो वो कीड़े हैं, वो क्या होते हैं? डर जाते हैं और घास से बाहर आते हैं। The egret on the buffalo's back makes no mistake in swooping down to catch and eat them up. और बिना कोई गलती किए ये जो egret होते हैं, ये उस कीड़े को खा लेते हैं। क्योंकि वो कीड़े डर कर बफेलो के पीठ पे आकर या आजू बाजू आकर बैठते हैं, तो वो जो इगरेट है उन कीड़ों को आसानी से पकड़ पाते हैं। सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स, यानी सीजन चेंज होते हैं, यानी विंटर, समर, रेनी, तो इन सीजन्स में लिविंग थिंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट इज द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम्स। जो मैंगो ब्लॉसम्स आता है उसको मराठी में क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं मराठी में? अंब्याला मोहर एने। व्हेन डू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम एवरी ईयर? मैंगो ट्रीज ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन एवरी ईयर। डज द बनियन हैव लीव्स throughout the year? जो बनियन ट्री वर्ड का जो पेड़ होता है उसको पूरे साल पत्ते होते हैं? Yes, the banyan have leaves throughout the year. We see frogs everywhere during the rains. Where do they disappear in summer? बारिश में हमें हर जगह मेंढक दिखाई देते हैं, पर ये मेंढक गर्मी में कहाँ गायब हो जाते हैं? इन समर दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 or 8 months. गर्मी के 7-8 महीने मेंढक जमीन के नीचे जहाँ थोड़ा पानी हो वहाँ अपना घर बनाता है। विच इज द सीजन फॉर जामुन्स? जामुन कौन से सीजन में मिलता है? जामुन कम्स एट द एंड ऑफ समर सीजन। समर सीजन के एंड में जामुन दिखना शुरू हो जाता है। We have 3 seasons, summer, the rainy season and winter. 3 season कौन से है? Summer, rainy and winter. Summer यानी गर्मी का सीजन होता है, rainy यानी बारिश का, winter यानी ठंडी का सीजन होता है। It is very hot in summer. Summer में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है।
We wear cotton clothes and drink plenty of water. और हम लोग तभी कॉटन के कपड़े पहनते हैं और बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। गर्मी के वजह से हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। In the rainy seasons, we use umbrellas or different kinds of raincoats and hoods to avoid getting wet in the rain. बारिश से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला लेते हैं और क्या यूज करते हैं? रेनकोट यूज करते हैं और हुड्स जो जैकेट की जैसा होता है उसको भी हम यूज करते हैं। In winter we wear woolens and other warm clothes to protect ourselves from the cold. ठंडी के मौसम में हम लोग उलन्स के कपड़े यूज करते हैं और भी जो गर्म कपड़े होते हैं वो भी हम पहनते हैं। तो क्यों पहनते हम? ठंडी से बचने के लिए। Just as the three seasons affect us, they affect all other living things too. तो ये जो तीन सीजन है विंटर समर और रेनी इसका इफेक्ट हम लोगों के जीवन में होता है, हम लोगों के लाइफस्टाइल में होता है। लेकिन दुनिया में दूसरे लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। वी सी दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर ईयर आफ्टर ईयर। और ये जो चेंजेस होते हैं सालों साल होते आ रहे हैं। विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पानगळ, दैट इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स। पान याने लीव्स और गळ याने नीचे गिरना। महाराष्ट्र में जो विंटर आता है तब जो प्लांट्स होते हैं उनके सारे लीव्स झड़ जाते हैं, उसको पानगळ कहते हैं। दैट इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। क्योंकि उस समय बहुत से पेड़ों में पतझड़ दिखाई देती है। द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर। ये जो एनिमल होते हैं उनके जो बाल होते हैं जो फर होते हैं और भी ज्यादा थिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विंटर से उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए जितने ज्यादा उनके बदन पे बाल रहेंगे उतनी उनको ठंडी कम लगेगी। दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। ठंडी के सीजन में वो उनको गर्म रखते हैं, उनके जो फर होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं। सच ग्रोथ ऑफ हेयर is especially noticeable in animals like sheep and some types of goats and rabbits. कुछ एनिमल के बाल बढ़ते हैं तो हम उन्हें तुरंत नोटिस कर पाते हैं। जैसे शीप होता है उसके बदन पे बाल होते हैं, हम उसको क्या करते हैं? झट से नोटिस कर पाते हैं। गोट्स एंड रैबिट्स उनके बदन पे भी बाल आते हैं। क्यों आते हैं? ठंडी से बचने के लिए। द एंड ऑफ विंटर इज ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। तो विंटर के एंड में जो मैंगो ट्री है उनको ब्लॉसमिंग होना यानी मोहर आना शुरू होता है। दिस ब्लॉसम आर कॉल्ड मोहर इन मराठी। तो उसको मराठी में बोलते हैं मोहर। जैसे हम बोलते हैं आंब्याला मोहर आले। एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी इट बिकम्स वार्मर एंड बाय मार्च वी बिगेन टू फील द हीट। मतलब जब फरवरी मंथ एंड आने लगता है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है, तब हमें गर्मी का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। इट्स टाइम फॉर समर। ये गर्मी की शुरुआत है। इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। इस समर सीजन में बहुत सारे पेड़ों को नए नए पत्ते आते हैं। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर बिकॉज दिस लीव्स आर रेडिश एंड शाइनी व्हाइल दे आर टेंडर। अभी ये जो जंगल है हमें कैसे दिखाई देता है?
कॉपर का कलर होता है वैसे। कॉपर यानी क्या होता है, एक मेटल है, उसको तांबा बोलते हैं। यानी पूरा जंगल सुनहरी कलर का दिखता है। तो कैसा लगता है, पूरा जंगल लाल हो गया है ऐसा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो जो नए नए पत्ते आते हैं पौधों को, वो रेडिश यानी रेड कलर के दिखाई देते हैं। देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव ग्रो बिगर। फिर वो पत्तों का जो कलर है, जैसे जैसे पत्ते बढ़ते जाते हैं उनका कलर ग्रीन होते जाता है। द कॉल ऑफ द कोयल इज हर्ड इन मेनी प्लेसेस। इस सीजन में जो कोयल की कू, कोयल की आवाज सुनी है ना आपने, जैसे वो करती है कू, ये आवाज हमें ज्यादातर सुनाई देती है। इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय। इस सीजन में हम मैंगो और वाटरमेलन ज्यादा परचेस करते हैं। दिस इज द सीजन फॉर दिस फ्रूट्स। इन फलों के लिए यही सीजन सही है। Although mango tree grow all over Maharashtra, mango के जो trees होते हैं वो सारे महाराष्ट्र में ही उगते हैं। The Konkan region is particularly famous for its mangoes. जो कोंकण है वो mango के लिए famous है। It is also the season for cashew nuts. ये जो season है उसमें cashew nut का भी सीजन है, यानी ये काजू का भी सीजन है। द रेड येलो कैशो एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैशो ट्रीज ऑन द हिल साइड इन द कोंकण रीजन। और रेड येलो कैशो एप्पल्स जो होते हैं वो हमें हिल साइड पर दिखाई देते हैं। कोंकण रीजन में हमें ये दिखाई देते हैं। इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। अभी जून महीना आते ही काले काले बादल हम लोगों को आसमान में दिखाई देते हैं। द रेनी सीजन इज अ शॉर्ट वे अवे। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी ही रेनी सीजन आ रहा है। बाय दिस टाइम वी बिगेन टू गेट जैक फ्रूट्स जामुन एंड करवंदाज। और वो जो सीजन होता है तभी जैक फ्रूट्स ज्यादा आते हैं। जैक फ्रूट्स यानी क्या, फनस। तो फनस जो होता है वो रेनी सीजन में ज्यादा आते हैं। और जामुन भी आते हैं और करवंदाज जो छोटे छोटे होते हैं ब्लैक कलर के, टेस्ट में वो खट्टे होते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स लाय स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। और अभी ये जो बीज होते हैं ये बीज जगह जगह पर गिरते हैं। दे स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज सून एज इट बिगेन टू रेन। हम लोग जब फ्रूट्स खाते हैं तो उसके बीज यहाँ वहाँ गिरते हैं, और जहाँ जहाँ वो सीड्स गिरते हैं वहाँ वहाँ नए नए पौधे आते हैं। इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर। और हमें क्या, सारी जगह ग्रीन ग्रीन यानी हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। दिस ग्रीनरी इज सूदिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स। समर की गर्मी के बाद ये हरियाली बहुत अच्छी लगती है। समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काई। और कभी कभी हम लोगों को रेनबो भी दिखाई देता है, रेनबो के 7 कलर भी हमें दिखाई देते हैं। तो रेनी सीजन में ही ये ज्यादा दिखाई देता है। एज इट बिकम्स वेट एवरीवेयर फ्रॉग्स अपीयर। वी ऑल्सो हियर द लाउड नॉइज ऑफ फ्रॉग क्रॉकिंग ऑल टूगेदर। वो सब जगह पर गीला गीला हो जाता है, तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है, फ्रॉग। हर जगह फ्रॉग दिखाई देता है, फ्रॉग यानी मेंढक। फ्रॉग की आवाज भी हम लोगों को आती है। जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो रात को जब सब शांत हो तो फ्रॉग के चिल्लाने की आवाज हमें आती है। फ्रॉग की कैसी आवाज आती है, टर 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 करके रात को फ्रॉग की आवाज आती है। रात को या सुबह, कई
किसी भी टाइम उसकी आवाज आती रहती है रेनी सीजन में। एज द रेनी सीजन एंड्स इट इज टाइम फॉर विंटर टू मेक अ कम बैक। इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर। अभी रेनी सीजन के बाद शुरू हो जाता है विंटर। दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स। और ये जो ठंडी है वो फ्रॉग के लिए अच्छी नहीं होती। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर। वो क्या करते हैं, ग्राउंड के बहुत डीप जाके बहुत लंबी नींद लेते हैं। विच लास्ट फॉर 7 or 8 months। कितने मंथ की नींद होती है उनकी, 7 or 8 months की नींद होती है। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड। जो खेती है उसके ऊपर ही हमें फूड मिलता है, अन्न मिलता है। द डिफरेंट सीजन समर विंटर एंड द मानसून्स आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड्स। ये जो डिफरेंट सीजन है, समर में जो अनाज उगाता है वो अलग होता है, विंटर में जो अनाज उगाते हैं वो अलग होता है, और मानसून में जो अनाज उगाते हैं वो भी अलग होता है। अलग अलग तरह के अनाज अलग अलग सीजन में उगाए जाते हैं। What we have learned, अभी हमने क्या क्या सीखा। The needs of all living things are met in the environment। जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी जरूरतें एनवायरमेंट में ही पूरी होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग। अलग अलग लिविंग थिंग की जरूरतें अलग अलग होती है। सम आर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकी एंड स्क्यूरल्स लिव इन ट्रीज एंड फीड ऑन देम। देयर ड्रॉपिंग हेल्प्स ट्री टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। जो मंकी और स्क्विरल है वो पेड़ पे ही रहते हैं और उनको खाना पेड़ पर ही मिलता है, और कुछ बर्ड्स अपने घर पेड़ पे ही बनाते हैं। इच टाइप ऑफ लिविंग थिंग थ्राइव्स वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। जो लिविंग थिंग्स उनकी जरूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहाँ पर ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर लिव इन ग्रास लैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वॉटर। जो टाइगर है वो ग्रास लैंड में ही जिंदा रह सकता है और एक्वेटिक प्लांट्स पानी में ही जीवित रह सकते हैं। चेंज इन सीजन इफेक्ट लिविंग थिंग। सीजन में जो भी चेंजेस आते हैं, यानी बारिश, गर्मी और ठंडी, वो हर लिविंग थिंग पे इफेक्ट करता है। इन विंटर ट्रीज शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर। एनिमल्स के जो बाल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और ट्रीज उसके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्रीज गेट न्यू लीव्स। और जैसे ही समर आता है वैसे ही नए नए लीव्स आते रहते हैं। इन द रेनी सीजन इट बिकम्स ग्रीन ऑल अराउंड। फ्रॉग अपीयर एंड क्रॉप ग्रो इन फील्ड्स। और बारिश आने तक सब जगह पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वो मेंढक जो होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, और खेतों में अनाज भी उगने लगता है। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखें। द एनवायरमेंट चेंजेस विद द सीजंस। लिविंग थिंग्स हैव टू अडैप्ट देमसेल्फ टू दोज चेंजेस। पर्यावरण मौसम के साथ बदलते रहता है। लिविंग थिंग्स को इस बदलाव को अपनाते हुए अपना जीवन बिताना होता है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ वॉटर कलेक्ट इन फील्ड ड्यू टू हैवी रेन्स द क्रॉप्स ग्रोइंग देयर रॉट। वाई? जब बारिश का बहुत सारा पानी खेत में ठहर जाता है तो जो फसल उगाई है वो पूरी सड़ जाती है। क्यों? बिकॉज इफ क्रॉप्स गेट मोर वॉटर देन दे नीड दे रॉट। क्योंकि फसल को
जरूरत से ज्यादा पानी मिलने पर फसल सड़ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ वी डू नॉट गेट गुड रेन्स। अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमें अच्छी फसल क्यों नहीं मिलती? बिकॉज इफ क्रॉप डू नॉट गेट सफिशेंट वाटर देन दे डू नॉट ग्रो। क्योंकि अगर फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला तो फसल अच्छे से नहीं बढ़ती। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द इंडियन रेड स्नेक धामन लिव अराउंड फील्ड्स। इंडियन रेड स्नेक धामन फसलों के आजू बाजू क्यों रहता है? बिकॉज इंडियन रेड स्नेक धामन फीड्स ऑन माइस विच ईट्स द क्रॉप्स इन द फील्ड। क्योंकि इंडियन रेड स्नेक धामन चूहे खाता है जो फसलों के बीच रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ देयर आर फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोई रीजन्स वुड देयर कोट बी थिक और स्पार्स। अगर कोई जानवर बर्फीले प्रदेश में रहता है तो उसके शरीर पर घने बाल होंगे या कम बाल होंगे? एंड आंसर इज, फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोई रीजन्स हैव थिक कोट्स। ऐसे जानवर जो बर्फीले प्रदेश में रहते हैं उनके शरीर पर घने बाल होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच फ्रूट आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र फेमस फॉर। नीचे दिए गए महाराष्ट्र की जगहों में कौन से फल फेमस है? फर्स्ट है नागपुर, किस चीज के लिए फेमस है? ऑरेंजेस। सेकंड है घोलवड़ किसके लिए फेमस है? चिकूज। थर्ड है सासवड़ किसके लिए फेमस है? फिग्स यानी अंजीर। फोर्थ है देवगढ़ किसके लिए फेमस है? हम सबका फेवरेट मैंगोज। फाइव है जलगांव किसके लिए फेमस है? बनानाज। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। हमें पेड़ों की सहायता किस प्रकार से होती है? एंड आंसर इज, प्लांट्स हेल्प अस टू गेट फूड फ्लावर शेल्टर एंड फूड फॉर आवर फर्नीचर। पेड़ों से हमें खाना फूल छाया और लकड़ी मिलती है जिससे हम घर का फर्नीचर बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स मतलब क्या? एंड आंसर इज, एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एज अर्बोरियल एनिमल्स। जो एनिमल पेड़ के ऊपर रहते हैं उन्हें अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस डू वी सी इन ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च। मार्च के शुरुआत में हम पत्तों में क्या चेंजेस देखते हैं? एंड आंसर इज, ट्रीज गेट न्यू लीव्स विच आर रेडिश एंड शाइनी बिकॉज दे आर टेंडर। पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं जिनका रंग लाल सुनहरी होता है क्योंकि वो बहुत नए होते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, आफ्टर डैश डैश विंटर कम्स अगेन। किस मौसम के बाद विंटर आता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड आंसर इज, रेनी। आफ्टर रेन्स विंटर कम्स अगेन। सेकेंड है, We keep animals because animals meet some of our dash dash. हम जानवर किस लिए पालते हैं? Your time starts now. And answer is needs. We keep animals because animals meet some of our needs. थर्ड है, वी स्प्रे डैश डैश टू प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम अटैकिंग प्लांट्स। पेड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए हम क्या स्प्रे करते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एंड आंसर इज पेस्टिसाइड्स. वी स्प्रे पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम अटैकिंग प्लांट्स. फोर्थ, विंटर इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ डैश डैश. विंटर को और किस नाम से जानते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड आंसर इज पानगल. विंटर इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ पानगल. एंड दैट इज एंड ऑफ दिस लेसन. थैंक यू फॉर अटेंडिंग.